हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। सो लास्ट लेक्चर में हमने बेटा जी अपने जूलॉजी के लेक्चर में शुरुआत की थी बेटा जी अपनी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर की, और हम जान चुके थे पहले टॉपिक के बारे में व्हाट इज हेल्थ। अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स एक थ्योरी आपने पढ़ी यहाँ पे, गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस जो क्या थी आपने जाना, उसको डिस्प्रूव किया था बेटा जी विलियम हार्वे ने। फिर आपने बात की व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। फिर आपने बात की यहाँ पे How we can maintain the good health of an individual and of a society. And फिर आपने जाना था what are the advantage or significance of a good health? क्या उसके फायदे हैं आपने बातें की थी, मतलब अपने health के सब चीजें पढ़ ली थी आपने यहाँ पर, वो topic अपना खत्म हो गया था। अब हम second chapter, इसी chapter के second topic में आते हैं, topic का नाम है बेटा जी यहाँ पे disease। कि भाई health जब बिगड़ती है तो हमें disease हो जाता है, तो वो disease क्या है। हम आज यहाँ पे इंट्रोडक्शन जानेंगे बेटा जी अबाउट द डिजीज, और कौन कौन है जो डिजीज को कोज करते हैं, वो क्या होता है जो डिजीज को कोज करता है, कैसे कोज करता है, आज हम उसकी बातें करने वाले हैं। तो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेटा जी, यहाँ पर टॉपिक आता है यहाँ पे डिजीज। तो देखिएगा मैं लिखता हूँ और बेटा यहाँ पे डिजीज, वर्ड को समझने के लिए पहले हम इस वर्ड के थोड़े से टुकड़े कर लेते हैं। जरा देखिएगा बेटा जी, मैं इस वर्ड के दो टुकड़े कर देता हूं, डिस और ईज। डिजीज उस कंडीशन का नाम है जहां पे हमारी ईजनेस खत्म हो जाए। ईजनेस बोले तो देखो यहां वर्ड ईज, ईज का मतलब कंफर्ट। डिजीज उस कंडीशन का नाम है जहां हमारा कंफर्ट जोन खत्म हो जाए। आपने हेल्थ में एक वर्ड कहा था, हेल्थ उस स्टेट का नाम है जहां आदमी फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेलबींग है। अब अगर वो एक कंफर्ट जोन में फिजिकली मेंटली एंड सोशली वो वेलबींग है, मतलब वो कंफर्ट जोन में वो एकदम ठीक है। मैंने कहा उसका जो कंफर्ट जोन है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो चाहे सोशल हो, उसका वो कंफर्ट का खत्म हो जाना, उसका वो कंफर्ट का खत्म हो जाना, उसका वेलबींग खत्म हो जाना क्या है बेटा जी यहाँ पे डिजीज। मैं सिंपल सा वर्ड समझा रहा हूं, ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा वर्ड क्या बताता है हमें, वर्ड का क्या मतलब है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा यहाँ पे। डेफिनेशन जो वो तो मैं अभी लिखूंगा आप लोगों के लिए, जो आपको समझाएंगे बाद में, पर पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। डिजीज मतलब द कंडीशन इन विच ईजनेस ऑफ बॉडी गेट लॉस, द कंडीशन इन विच ईजनेस और द कंफर्ट जोन ऑफ द बॉडी गेट लॉस, जहां पे कंफर्ट जोन खत्म हो जाए, जहां पे ईजनेस खत्म हो जाए बॉडी की, वो कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पे डिजीज है। वो कंडीशन क्या है बच्चा यहाँ पे डिजीज है। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या समझ के देखते हैं। अब ईजनेस मेरी बॉडी का कब खत्म होगा, मेरी बॉडी का कंफर्ट जोन कब खत्म होगा, कब मेरी ईजनेस खत्म हो जाएगी, जब मेरी बॉडी के एक या दो ऑर्गन, या मैं कहूंगा ऑर्गन सिस्टम एडवर्सली अफेक्टेड हो जाए और वो अपना काम प्रॉपरली ना कर पाए। सोचो यहाँ पे मेरी बॉडी का कोई भी इंटरनल ऑर्गन या एक्चुअली कुछ भी चीज है मेरी बॉडी की जिसका जो फंक्शन था वो अफेक्टेड हो जाए और वो अपना काम नहीं करना प्रॉपरली। अब अगर वो काम नहीं करेगा मतलब मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ क्या होगी, फिर आपके यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं बेटा जहाँ पे डिजीज की, वो क्या है। इट इज ए कंडीशन व्हेन वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम गेट एडवर्सली अफेक्टेड एंड कैरेक्टराइज बाय various signs and symptoms. समझो जो मैं वर्ड समझा रहा हूं उसी वर्ड को मैं कैसे लिख रहा हूं उस बात की बात कर रहे हैं यहां पे। आपने कहा सर जहां पे हमारी ईजनेस खत्म हो जाए, जहां पे हमारा कंफर्ट जोन खत्म हो जाए, वो कंडीशन क्या है डिजीज। तो आप जरा सोच कर देखो फिजियोलॉजी के बिहार पे, आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी, मैं उस बिहार से इसे कोरिलेट करके आपको समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं बेटा जी, अगर हमारे बॉडी का वन और मोर ऑर्गन, बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन है, या मैं कहूंगा कोई ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाए बेटा जी यहां पे गेट एडवर्सली अफेक्टेड, वो अफेक्टेड हो गया,
तो उसके द्वारा जो फंक्शन हो रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। और अगर वो फंक्शन अफेक्टेड हो जाएगा तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के हमें साइंस या फिर सिम्टम्स क्या होंगे बेटा जी आपके यहाँ पे दिखाई देंगे यहाँ पे। तो मैं कहूंगी ये वो कंडीशन है जहां पे बॉडी के एक या दो ऑर्गन अफेक्टेड हो गए या एक दो सिस्टम अफेक्टेड हो गए और उसकी वजह से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं। वो कंडीशन जो है बेटा, जो कंडीशन क्या कहलाएगी यहाँ पे आपकी, डिजीज कहलाएगी। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, डिजीज इज ए कंडीशन व्हेन वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम गेट एडवर्सली अफेक्टेड एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। It is characterized as various signs and symptoms. अब काफी बच्चों के पॉइंट आता है दिमाग में या क्लास में पूछते हैं बच्चे, सर ये साइन और सिम्टम ये दोनों चीजें अलग अलग कैसे हैं? मैं आपसे पूछूं, what do you mean by sign? तो आप कहोगे सर लक्षण, उसके बीमारी के जो साइन आ रहे हैं कुछ। मैंने कहा फिर अगर साइन ये है then what is symptoms? दोनों वर्ड दिखने में हमें कैसे लगते हैं, मतलब मीनिंग वाइज हमें क्या लग रहे हैं यहाँ पे, दे आर सिमिलर, कि सर दोनों एक ही चीज है, पर दोनों एक चीज नहीं है बेटा, दोनों अलग अलग चीजें। कैसी अलग अलग चीजें हैं? तो समझो जरा बात, साइन टेल्स दैट यू आर डिजीज्ड बट इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ डिजीज, बट सिम्टम्स आर स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ द डिजीज। अच्छे समझ के देखते हैं, आपको फीवर हो गया, फीवर हो गया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना आपको यह बता रहा है कि आप हेल्दी नहीं हो, आप डिजीज्ड हो, इट इज ए साइन। अब फीवर तो टाइफाइड हो रहा है तो भी आ गया, आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है तो भी आपको आ गया, आपको मलेरिया हो गया तो भी आ गया, इवन आपने आज बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क कर दिया, लू लग गई आपको तो भी भैया जी आज आपको फीवर आ गया। अब फीवर का आना ये बता रहा है हमें कि यस वी आर डिजीज, वी आर नॉट हेल्दी, सही बात है। बट मैंने कहा आपको फीवर आ रहा है एंड साथ में चिलिंग अफेक्ट है, मतलब सर्दी देके फीवर आ रहा है आपको, ये मलेरिया है। क्योंकि अब आपने ये बता दिया कि एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बता रहा है हमें कि सर मलेरिया में जब फीवर आता है तो वो सर्दी देके आता है, उस टाइम हमें सर्दी लगती है, उस टाइम हमारी बॉडी कपकपाती है, ये फीवर अगर ऐसा है तो मतलब ये हमें क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। तो डिफरेंस को समझो, इफ इट टेल्स अबाउट दैट यू आर डिजीज्ड बट इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ द डिजीज, तो वो एक जनरल सी कोई चीज है तो मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी यहाँ पे अपना साइन। बट इफ एनी साइन बिकम स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ द डिजीज और इट गेट अटैच विद ए स्पेसिफिक डिजीज, वो जो सिम्टम है कुछ भी जो आपका साइन है बेटा जी वो अटैच हो जाए विद ए पर्टिकुलर डिजीज, तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी यहां पे, सिम्टम बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस है बेटा जी, इट टेल्स दैट ए पर्सन इज डिजीज बट इट नेवर गेट स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ द डिजीज। यहां मैंने लिखा बेटा जी, इट टेल्स दैट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, इट इज क्वाइट स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ डिजीज। ये डिजीज के लिए कैसा है बेटा जी यहाँ पे, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो डॉक्टर जो होता है वो किन को ऑब्जर्व करता है बेटा जी यहाँ पे, वो सिम्टम्स की बात करता है। वो किन की बात करता है डॉक्टर यहाँ पे, सिम्टम्स की, क्योंकि डॉक्टर को तो आपको उस डिजीज को पहचाने कि एक्चुअली आपको कौन सी बीमारी है यहाँ पे। तो क्या करता है, आपका ब्लड टेस्ट करता है, आपका यूरिन टेस्ट करता है, कोई भी टेस्टिंग करता है, उस टेस्टिंग से ही पता लगाता है कि यस आपको कौन सी बीमारी है। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे सिम्टम्स बताते हैं आपके यहाँ पे दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम विच पर्टिकुलर डिजीज, तो अगर ऐसी कोई चीज है तो वो क्या है पे, सिम्टम्स। आपने जेनेटिक वाले वर्ड में एक चैप्टर एक वर्ड पढ़ा था बेटा जी आपने, सिंड्रोम। वहां पे आपने डेफिनेशन लिखी थी बेटा जी, सिंड्रोम इज द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, मतलब किसी बीमारी के एक या दो सिम्टम नहीं है, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा इट बिकम सिंड्रोम। तो तीनों चीजें में छोटा छोटा डिफरेंस है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने नोटबुक में तीनों के बारे में लिखिएगा बेटा जी। साइन टेल्स दैट ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज बट इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ, इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ डिजीज बट सिम्टम्स आर स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ डिजीज, दे इंडिकेट ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विच पर्टिकुलर डिजीज एंड सिंड्रोम इज नोन एज कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम इज नोन एज कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, एक नहीं बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिंड्रोम। याद कीजिए कि आपने लिखा था डाउन सिंड्रोम,
एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिफिटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, वहां सिंड्रोम वर्ड आते क्योंकि वहां पे कोई एक सिम्टम नहीं था, तरह तरह के सिम्टम्स थे वहां पे, तो आपने वर्ड यूज किया था बेटा जी वहां पे सिंड्रोम। तो आई होप आपके वर्ड समझ में आ गया होगा बेटा जी डिजीज की क्या डेफिनेशन, ठीक है चलिए। अब हम बातें करते हैं, डिजीज आर मेनली ऑफ टू टाइप। हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से अपने नोटबुक में बना सको, समझ लीजिएगा बेटा। हमने कहा डिजीज, जेनेटिक डिजीज और डिसऑर्डर। इस वर्ड का क्या मतलब है? दीज आर द डिजीज दैट ओकर टू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। लिख देता हूं यहां पे, ओकर ड्यू टू डिफेक्ट इन जेनेटिक मटेरियल, दे आर inherited from parents to their offspring। वो बच्चों में उनके माँ बाप से आते हैं, ऐसे प्रकार के कोई डिजीज है बेटा जो क्या है यहां पे कॉन्जेक्टाइल डिजीज है। यहां मैं कहूंगा दीज आर नोन एज जेनेटिक डिजीज, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है जेनेटिक मतलब जीन में या किसी जेनेटिक मटेरियल में डिफेक्ट की वजह से होते हैं। मे बी वहां पे क्रोमोसोम का नंबर अफेक्टेड हुआ हो, मे बी वहां पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अफेक्टेड हुआ हो, मे बी वहां पे किसी जीन में म्यूटेशन हुई हो, कुछ भी हुआ हो, बट आपके जेनेटिक मटेरियल में प्रॉब्लम की वजह से बीमारी हुई है, तो मैं कहूंगा ये कैसी बेटा जी यहाँ पे आपकी जेनेटिक डिजीज है जो हमें इनहेरिटेड है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। अब अगला वर्ड क्या आता है बेटा? बेटा अगला वर्ड आता है एक्वायर्ड डिजीज। नाम सिंडिकेट हो रहा है दैट वी एक्वायर्ड ड्यूरिंग अवर लाइफ, एनी डिजीज दैट वी एक्वायर्ड ड्यूरिंग अवर लाइफ, जो अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं वो क्या है बेटा जी यहां पे एक्वायर्ड डिजीज। तो लिख देता हूं बेटा जी यहां पे दैट वी एक्वायर ड्यूरिंग अवर लाइफ, जो अपनी लाइफ में क्या करते हैं बेटा जी यहां पे एक्वायर करते हैं, वो क्या बन गए यहाँ पे एक्वायर्ड डिजीज। चलिएगा अब ये फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं, किस ब्याह पे क्या ये एक्वायर्ड डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं या स्प्रेड नहीं होते हैं। तो मैं कहूंगा दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप। मैंने यहां पे नाम लिखा बेटा जी इन्फेक्टियस डिजीज। नाम लिखा बच्चा मैंने इन्फेक्टियस डिजीज, जैसा कि नाम सुनते ही हो रहा है बेटा जी दिस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो एक से किसी और पर्सन में चले जाते हैं। कहूंगा ऐसा क्या है बेटा जी इन्फेक्टियस डिजीज है। मैं एक नाम और लिखूंगा बेटा जी यहां पर दे आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेट होते हैं यहां से वहां क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं, ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं इन्फेक्टियस। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा बेटा जी नॉन इन्फेक्टियस और केबल डिजीज, जैसे कि बेटा नाम से इंडिकेट हो रहा है दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, ये कभी स्प्रेड नहीं होते। तो लिख देता हूं बेटा जी यहां पे दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम
one person to another. अब आपके पॉइंट आ रहा होगा, सर ये स्प्रेड होते हैं, बट हाउ दे स्प्रेड, ये कैसे स्प्रेड होते हैं? मैं कहूंगा यस, फिर हम इसके दो टुकड़े कर देते हैं बेटा जी। मैंने लिखा है बेटा जी कॉन्टाजियस डिजीज, और मैंने बोला बेटा जी यहां पे नॉन कॉन्टाजियस डिजीज। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? एनी डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड पर्सन एंड ए हेल्दी पर्सन। मैं लिखता हूं बेटा जी यहां पे दे स्प्रेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे एक हेल्दी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, मतलब उसके फिजिकली टच में आ गया, और वो फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से वो एक पर्सन से दूसरे में फैलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि वो यहां इन्फेक्टेड पर्सन और वो वहां दूर बैठे वो हवा से उड़ के उसके पास चला गया, नहीं, या पानी से वहां चला गया, नहीं, या भाई कहीं और किसी नीचे जा रहा, नहीं, वो तभी फैलेगा जब वो एक हेल्दी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए, फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए। और अगर फिजिकल में कॉन्टैक्ट आने की वजह से फैलते हैं, मैं कहूंगा ऐसे वाले क्या है बेटा जी यहां पे कॉन्टाजियस डिजीज। आप एसटीडी को, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कॉन्टाजियस कह सकते हो। आप कहते हो सर एड्स फैलता है, अगर हम उसे एसटीडी की बात में बातें करें तो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उस टाइम पे वो स्प्रेड होता है, मतलब दोनों फिजिकली कॉन्टेक्ट में आते हैं तब वो स्प्रेड होता है। वो अपने आप एक हेल्दी पर्सन चल के नहीं जा सकता, उसका कोई और इनडायरेक्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मैं कहूंगा दीज आर द कॉन्टाजियस डिजीज। गेटिंग माय पॉइंट? अगले वर्ड में मैंने कहा नॉन कॉन्टाजियस, मतलब दे डू नॉट स्प्रेड फायदा फिजिकल कॉन्टेक्ट, बट दे यूजिंग सम मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब दे गेट स्प्रेड थ्रू एयर, थ्रू एयर, वॉटर। आपने कहा वो एयर के ड्रॉपलेट के फॉर्म में जा रहा है, आपने कहा वो वॉटर, किसी ने कंटेमिनेटेड वॉटर को पी लिया तो वो हो गया। मैं कहूंगा ठीक है बेटा जी, आपने कह दिया वो किसी वेक्टर के थ्रू जा रहा है, जैसे हम बातें करते हैं मलेरिया की, वो एक वेक्टर मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड हो रहा, तो मैं कहूंगा वो किसी वेक्टर के थ्रू जा रहा है, वो फूड के थ्रू जा रहा है, वो किसी और मीडियम से जा रहा है, मतलब कोई ना कोई उसका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो उसके थ्रू जा रहा है। तो मैं कहूंगा दे गेट स्प्रेड थ्रू द वेरियस मीन लाइक द एयर, वाटर और वेक्टर, वो किसी भी मीन के थ्रू वहां क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं बेटा जी। तो ऐसे वाले क्या है यहाँ पे आपके नॉन कॉन्टाजियस डिजीज है, बट अगर वो फिजिकल कॉन्टेक्ट से जाते हैं तो वो कैसे है बेटा जी यहाँ पे कॉन्टाजियस है। मतलब पॉइंट छोटा सा है कि इन्फेक्टियस का मतलब है वो स्प्रेड होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, बट कैसे स्प्रेड होते हैं, फिजिकल कॉन्टेक्ट से, यस, तो फिर हमें ये बोलना पड़ेगा नहीं सर इन्फेक्टेड अलग है हेल्दी अलग है, बट वो किसी और इनडायरेक्ट मीडियम का यूज करके आ रहे हैं, तो फिर हमें ये वर्ड यूज करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब आता सर ये फैलते नहीं है फिर ये होते कैसे, सर ये फैलते नहीं है फिर ये होते कैसे। मैं कहूंगा भाई यहाँ पे भी ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कैसे बेटा जी, मैं टेबल को थोड़ा सा रब कर दूं, चलिए तो कोई नहीं लिखते हैं छोटा छोटा करके। मैं कहूंगा ये कैसे हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा सबसे पहला नहीं बेटा डेफिशिएंसी, आपने वर्ड सुना माल न्यूट्रिशन, किसी इंसान में न्यूट्रिशन की कमी हो गई, याद है छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं कोशिकर और मरसमस करके डिजीज पड़ा था अपने लास्ट ईयर बेटा जी, जो प्रोटीन या फिर एनर्जी की कमी की वजह से छोटे बच्चों में बीमारी होती है, पढ़ा था आप लोगों ने। तो मैं कहूंगा किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से या किसी चीज की कमी से वो चीज हो रही है, विटामिन की कमी है, लाइक आप कहते हो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से हो गई, तो मैं कहूंगा ऐसे किसी विटामिन या किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, मैं कहूंगा दीज आर द डेफिशिएंसी डिजीज। पर वो ऐसा नहीं होता कि एक से दूसरे में फैल गए, एक इंसान डिफेक्टेड है बिकॉज़ उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है,
तो वो उस कमी को किसी और को नहीं दे सकता। दूसरा अगर हेल्दी फूड खाता है डेफिनेटली उसके अंदर वो बीमारी नहीं होगी। तो मैं कहूंगा ये एक रीजन है इन डिजीज का होने का। ठीक है, दूसरी बात करते हैं नेता जी, हमें एलर्जी। आपने सुना होगा काफी लोग ऐसे होते हैं कि सर वो उन्हें डस्ट से एलर्जी है। अब एलर्जी है तो ऐसा नहीं कि एक पर्सन एलर्जिक है तो किसी दूसरे को उसे ट्रांसफर कर देगा, नहीं, उसका होने का रीजन है कि वो किसी पर्टिकुलर एजेंट के प्रति उसकी बॉडी एक रेस्पॉन्स शो करती है, वो एलर्जिक है, ये एक अलग कहानी है, वो कभी स्प्रेड होने का काम नहीं करती बेटा जी। ठीक है, अगले वर्ड में आते हैं। मैंने कहा कैंसर, क्या कहा बेटा मैंने यहां पे कैंसर, सोचो जरा कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है? आप कहते सर हमारी जो सेल साइकिल होती है वो टोटली रेगुलेटेड होती है, मतलब सेल साइकिल में एक सेल डिवाइड करती है, सेल साइकिल पूरा रेगुलेशन करती है, उसे रेगुलेट करते हैं, बट अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए तो वो बन जाता है ट्यूमर। क्या बेटा जी? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए तो बन जाता है ट्यूमर, और अगर वो ट्यूमर बॉडी में स्प्रेड हो जाए तो बन जाता है कैंसर। अभी ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुई है बेटा जी, तो ये किसी चीज से एक्वायर नहीं किया हमने यहाँ पे, तो हमने कहा बेटा जी कैसे है यहाँ पे आपका कैंसर। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं बेटा जी। एडिक्शन, कुछ लोग आपने देखे होंगे दे आर एडिक्ट ऑफ द टोबैको, दे आर एडिक्ट ऑफ द एल्कोहल, दे आर द एडिक्ट ऑफ द ड्रग्स, तो वो भी एक बीमारी है बेटा जी। बट इसका होने का रीजन क्या है? क्या कोई किसी पर्सन से फैलता है कि नहीं? नहीं फैलता। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये कैसा है यहाँ पे आपका, इसका डिग्री मत चलिएगा। एक और बता देते हैं आपको यहाँ पे, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ बेटा जी मेंटल। मतलब आप देखते हो आज के सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे जो ये कहते हैं वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया या वो इंसान डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन जो है ये ऐसा नहीं कि एक पर्सन से अगले पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे यहाँ पे, या सर ये किसी चीज से हुई है, वो तो ओवर थिंकिंग से किसी हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हुई है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि एक बीमारी है बेटा जी। तो जरा वर्ड को समझ कर देखे दोबारा से बेटा जी, हमने ये बातें की यहाँ पे कि वो होता कैसे, या तो जेनेटिक्स की वजह से या फिर किसी बेटा जो अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं, एक्वायर करने के रीजन अलग अलग हो सकते हैं, या इधर वो एक पर्सन दूसरे पर्सन में फैलता है तब वो हमारे पास एक पैथोजन बॉडी में एंटर कर गया जिसकी वजह से मेरी बॉडी में हुई। तो मैंने कहा वो तो है इन्फेक्टियस। अब मैंने नहीं, किसी ऐसे पॉजिटिव एजेंट को हमने किसी और से एक्वायर नहीं किया, वो हमारी बॉडी में खुद से हुआ है। बट कैसे हुआ? मैंने कहा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट हुआ है, ड्यू टू दैट किसी हम किसी पर्टिकुलर एजेंट के प्रति हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है, एक्सेस में इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स हो करती है, वो एलर्जी हो गई। पढ़ेंगे वो डिटेल में एलर्जी को, एलर्जी क्या होता है, आगे जाकर अपना एक डिजीज आएगा एलर्जी बेटर। आगे बातें करते हैं कैंसर की। सर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए तो वहां कैंसर हो जाता है। आपने कहा एडिक्शन की, सर ड्रग्स का एल्कोहल का लोग बहुत एक्सेस में यूज करते हैं, वो उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर उनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो मैं कहूंगा उनको एडिक्शन हो गया उसका, बट ये किसी से उसने एक्वायर नहीं किया बेटा। बात ही आती है मेंटल की, कोई बच्चा मेंटली डिप्रेशन में चला गया, मैं कहूंगा वो उसने एक्वायर किया अपनी लाइफ में किसी रीजन की वजह से। चलिए आपने कहा सर ये फैलने वाले, फैलते कैसे? फिजिकल कॉन्टेक्ट से। मैंने कहा यस, तो दे आर कॉन्टेजियस। आपने कहा नहीं सर यहाँ तो इन्फेक्टेड पर्सन बहुत दूर है और एक हेल्दी पर्सन बहुत दूर है, फिर भी ये उससे उस तक पहुंच रही है, वो तो इसके कॉन्टेक्ट में भी नहीं आया, फिर कैसे फैली? मैं कहूंगा भाई फैलने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, किसी वेक्टर थ्रू फैला हो, कंटेंट उसने वाटर को ले लिया, किसी फूड को उसने खा लिया जो कंटेंट था उससे फैल सकता है यहाँ पे, तो कहूंगे ये भी एक रीजन है बेटा जी। ये वाले तो आप बोलते में लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो अच्छे से बातें बेटा जी, इसके बारे में कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो इट इज ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द डिजीज कैसे कैसे होते हैं। अब हम पिछले चैप्टर में यानी कि जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बेटा जी हम बातें कर चुके हैं अबाउट द जेनेटिक डिजीज। आपने वहां पे बातें की है जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन कौन सी बातें की आपने, ये सब कुछ म्यूटेशन से होते हैं, कुछ क्रोमोसोम के नंबर से होते हैं, ये बातें आपने कर ली है। तो अब इस चैप्टर में हम इसकी बातें नहीं करेंगे, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है बेटा जी उस चैप्टर में हम इस टॉपिक की बातें नहीं करेंगे। फिर हम किस टॉपिक की बातें करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ इस टॉपिक की बातें करेंगे, और मेनली हम ये बातें करेंगे बेटा जी आपके साथ यहाँ पे इन्फेक्टियस की। ठीक है, अभी नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार आपके यहाँ पे, जो आपके एनसीईआरटी बुक में लाइन में, उसको एक बार बोल देता हूँ, जरा सुनना कि इन्फेक्टियस का कोई एग्जाम्पल दो जो डेथ कोजिंग है। इन्फेक्टियस का एग्जाम्पल दो जो डेथ कोजिंग है, तो आप लिख सकते हो एड्स।
इज इन्फेक्टियस डिजीज एंड इट इज डेथ कोजिंग। पॉइंट लिख लेना बेटा जिसको एरो बना के। ऐसे ही कहा जाए नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का एग्जाम्पल जो और जो डेथ कोजिंग है, तो एग्जाम्पल लिख लेना बेटा जी यहाँ पे कैंसर। कैंसर इज ए नॉन इन्फेक्टियस एंड इट लीड टू डेथ। किसको लीड करता है बेटा जी यहाँ पे? डेथ को लीड करता है। तो ये बातें आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये दो एग्जांपल आप कैंसर की बुक में मेंशन है, तो मैं इन बातों की स्पेसिफिक बातें कर रहा हूं यहाँ पे। कैंसर इज ए नॉन इन्फेक्टियस डिजीज एंड इट मे लीड टू डेथ। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इस बीमारी से मरने लग रहे हैं बेटा जी, ठीक है। वैसे मैंने कहा बेटा जी इन्फेक्टियस डिजीज जो है बेटा जी उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे एड्स, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है बेटा जी यहाँ पे आपका। और ये कैसे यहाँ पे आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इस बीमारी से मर रहे, तो मैं कहूंगा इट इज वन ऑफ द डेथ कॉजिंग। तो ये दो एग्जाम्पल तब स्पेसिफिक लिख लेना और बाकी बहुत सारी बातें हम करेंगे आपके साथ। शुरू करें बेटा इस टॉपिक को, अगले को ये खत्म होता है। तो अगला टॉपिक क्या है? तो मैं कहूंगा ये बीमारी अगर हो रही है और मेनली अगर हम इन्फेक्टियस वर्ड की बात कर रहे हैं, तो सर ये हो रही है तो कोई ना कोई तो चीज है जो इस बीमारी को कॉज करती है। तो मैं कहूंगा यस, there is some pathogen that cause the disease। तो हम वर्ड समझेंगे बेटा जी pathogen होता क्या है। अब अगला अपना टॉपिक जो आता है वो आता है pathogen पे, ताकि फिर हम टाइप ऑफ pathogen के बिहा पे इस डिजीज वाले टॉपिक को शुरू कर सके। चले बड़ा जबरदस्त टॉपिक है बेटा, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अच्छा टॉपिक है डिजीज चैप्टर, बड़ा मजेदार चैप्टर, आपको पढ़ने मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा या आएगा बट आपको पढ़ने मजा आएगा। अच्छा टॉपिक है बेटा, इम्यूनिटी बीमारियां हेल्थ डिजीज, अच्छा चैप्टर है। तो अभी टॉपिक की शुरुआत हो रही अच्छे से, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना के बैठो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए पैथोजन क्या है, ये पैथोजन क्या है, ये पैथोजन। तो मैं कहूंगा पैथोजन क्या है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा पैथोजेनिसिटी, वैसे ही वर्ड है पैथोजन। अब इस वर्ड का मतलब क्या है तो जरा समझिएगा। मैं कहूंगा एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज एबल टू कॉज डिजीज, दैट इज एबल cause disease। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल है कि डिजीज कोज कर सके, मैं कहूंगा वो हर एक डिजीज कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है बेटा जो क्या कहलाएगा यहाँ पे, पैथोजन कहलाएगा, ठीक है। अगले वर्ड में आएगा, मैं एक वर्ड बोलता हूं बेटा जी, एंड द एबिलिटी टू कोज द डिजीज इज नोन एज पैथोजेनिसिटी। The ability of the pathogen to cause the disease is known as pathogenicity। ठीक है चलिए, अपने काम का वर्ड नहीं अपने काम का वर्ड उसकी बातें करते हैं, पर आप लिख लेना इस डेफिनेशन को। पैथोजेनिसिटी क्या होती है? The ability of the pathogen to cause the disease। ओके, अब ये पैथोजन होते क्या है, ये पैथोजन कैसे होते हैं, नेचर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सर ये कैसे होते हैं? मैं कहूंगा पैथोजन आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वर्ड को सुनना, मैं कहूंगा मेनली, मैं हमेशा तो नहीं कह सकता ऐसा, मैं कहूंगा मेनली पैथोजन आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? दे डिपेंड अपॉन होस्ट टू सर्वाइव देयर लाइफ। अगर उन्हें उनका होस्ट नहीं मिला तो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, अपने नंबर को नहीं बढ़ा पाएंगे। उन्हें अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए होस्ट चाहिए, उन्हें किसी चीज के अंदर डिपेंडेंट है वो। तो मैं कहूंगा बेटा जी दे आर डिपेंड अपॉन होस्ट, दे आर डिपेंड अपॉन होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। आपको पता होगा बेटा जी यहाँ पे पैरासाइट मतलब ये होगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और अगर उनके पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका क्या मतलब है, उनके पास खुद के कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। इट मींस वो सारा न्यूट्रिशन कहां से लेंगे, होस्ट से लेंगे, और कैसे लेंगे,
डाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में वहां से ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। तो मैं कहूंगा बेटा जी दे हैव द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दे आर डिपेंड अपॉन होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए होस्ट पे क्या है बेटा जी यहाँ पे डिपेंडेंट है। मैं कहूंगा ऐसे पैथोजन को मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट कह रहा हूँ। ठीक है, अब एक वर्ड को और समझना, क्या सर जिंदगी में जो भी पैरासाइट वो पैथोजन है? क्या जिंदगी में जो भी पैरासाइट वो पैथोजन? मैं कहूंगा नहीं मेरे भाई, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। All parasites are not pathogen. जैसे आप बातें करते हो हमारे एलिमेंट्री कनाल में, हमारा आपने पढ़ा था इलियम वाला पार्ट, इलियम में केशियम वाला पार्ट। आज आप कहते हो लार्ज इंटेस्टाइन जब शुरू होती है तो इलियम के लास्ट जो पार्ट आता है वो क्या होता है बेटा जी? केशियम। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या था बेटा जी? केशियम। उस वाले पार्ट में आप क्या कहते हो बेटा जी कि वहां पे बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बैठे होते हैं दैट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन के को बनाने में हेल्प करते हैं, और वो हमारी बॉडी में बैठे हैं और वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आपने पढ़ा है बेटा 11th क्लास में कि सर वो हमारे लिए वहां विटामिन्स को बनाते हैं और वो हमारा वहां से फूड को एब्जॉर्ब भी करते हैं। वो पैरासाइट तो है हमारी बॉडी के अंदर बैठा है यहाँ पे, बट क्या वो डिजीज कॉज कर रहा है? नहीं कर रहा है। मेरे वर्ड को समझ कर देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहाँ पे अगर कोई वर्ड आपसे पूछे क्या जो भी पैरासाइट है डज ऑल पैरासाइट आर पैथोजन, मैं कहूंगा नहीं, मैंने ऐसा वर्ड नहीं बोला, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ यस pathogen are parasite but all parasite are not pathogen. Getting my point? चलिए अगले topic पे आते हैं। अब सर वो parasite है तो अपने host पे depend है, but वो host पे कहाँ survive करता है? Host की body के अंदर या host की body के ऊपर? तो मैं कहूँगा present on the host body और present in the host body। दो छोटे छोटे वर्ड हैं, समझ गए होंगे कभी बच्चे मेरे वर्ड को, बट फिर भी नहीं समझे तो समझो मेरी बात को बेटा जी। यहां मैंने वर्ड लगाया on और यहां मैंने वर्ड लगाया बेटा जी in। वो होस्ट बॉडी के अंदर है या होस्ट बॉडी के ऊपर है, फर्क है बेटा जी। अगर वो बॉडी के ऊपर बैठे तो मैं कहूंगा दीज आर नोन एज एक्टोपैरासाइट, और अगर बेटा जी वो अंदर है तो मैं कहूंगा दे आर नोन एज एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब ऊपर। वो होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं बट होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। आगे जाके मैं आपको बीमारी पढ़ाऊंगा बेटा जी रिंग वॉर्म। क्या पढ़ाऊंगा बेटा जी? रिंग वॉर्म, जहां पे आप पढ़ोगे फंगस हमारे स्किन के ऊपर ग्रो होती है और वो हमारे स्किन के अंदर जो केराटिन प्रोटीन्स है वो उनको खा जाती है, तो बॉडी के ऊपर ग्रो होती है। मैं कहूंगा कैसे है बेटा जी ऑन द होस्ट बॉडी, वो कैसे है बेटा जी आपका एक्टोपैरासाइट है। आप कहते हैं सर हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमें एमोइड डिसेंट्री कॉज कर रहा है, हमें मलेरिया हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो बॉडी के अंदर जाके हो रहा है। मैं कहूंगा सबके सब क्या बेटा यहाँ पे एंडोपैरासाइट। क्लियर है बॉडी? यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पैथोजन बिलोंग टू दिस ग्रुप मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम पैथोजेंस होते हैं बेटा जी दे बिलोंग टू द एंडोपैरासाइट ग्रुप, दे बिलोंग टू एंडोपैरासाइट। ठीक है, चलिए ये वर्ड आपका क्लियर होता है। अब एक और वर्ड की बातें करते हैं कि सर ये पैथोजन और दो टाइप के होते हैं किस बिहाफ पे कि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कहां करते हैं। चलेगा, शुरुआत से शुरू करते हैं। ये तो बात आपने लिख ली होगी, अब अगले वर्ड में आते हैं कि आपने ये कह दिया पैथोजन होस्ट पे डिपेंड है फॉर द सर्वाइवल ऑफ इट्स, वो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड है किस पे? अपने होस्ट पे। बट वो कितने होस्ट पे सर्वाइव करता है, एक पे या दो पे? उसे अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, उसे सर्वाइव करने के लिए कितने होस्ट चाहिए? एक चाहिए कि दो होस्ट चाहिए? मैं कहूंगा यस, पॉइंट है बेटा इस बात का। तो मैं कहूंगा बेटा जी इस बिहाफ पे आपके पैथोजन फिर दो प्रकार के हो जाते हैं। कैसे कैसे बेटा जी? हम नाम लिखेंगे बेटा यहाँ पे मोनोजेनेटिक, या वर्ड लिखूंगा बेटा डाइजेनेटिक। वर्ड क्या लिखूंगा बेटा जी? मोनोजेनेटिक, या वर्ड क्या लिखूंगा? डाइजेनेटिक। नाम से समझ में आ रहा होगा बेटा जी आपको यहाँ पे सिंगल होस्ट मोनो मतलब एक। इफ एनी पैथोजन कंप्लीट इट्स लाइफ विद इन ए सिंगल होस्ट,
लिख लो डेफिनेशन बेटा जी आप लोग, इफ एनी पैथोजन कंप्लीट इट्स लाइफ विद इन ए सिंगल होस्ट देन नोन एज मोनोजेनेटिक, बट इफ एनी पैथोजन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन द टू डिफरेंट होस्ट, वो टू डिफरेंट होस्ट के अंदर अगर बेटा जी अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता, मैं कहूंगा ऐसा वाला क्या कहलाएगा बेटा जी यहां पे डाइजेनेटिक, क्या कहलाएगा बच्चा यहां पे डाइजेनेटिक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले वर्ड में आते हैं, देखो एग्जांपल तो बहुत हो सकते हैं इनके यहां पे, तो हम उन चीजों में नहीं जाएंगे फिलहाल, अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जांपल पढ़ाते हैं आपको यहां पे, जहां आपको बात समझनी पड़ेगी मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो जो एग्जांपल लिख रहा हूँ दे आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, तो अपनी बुक्स के एग्जांपल को आपको अच्छे से याद रखना है, मतलब एनसीईआरटी बुक में है तो आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में तो मतलब आपके नीट के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट काफी बार आते हैं, तो समझिएगा बोलो। मैं सबसे पहले कहूंगा बेटा जी हमारे एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया है बेटा जी प्रोटोजोआ, कि कुछ प्रोटोजोआ के द्वारा डिजीज होते हैं और उनमें ऐसे एग्जांपल है जो डाइजेनेटिक भी है तो कैसे हैं बेटा यहां पे मोनोजेनेटिक भी है, जैसे कि मैं कहूंगा बेटा जी मलेरिया, मलेरिया इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जो पैथोजन है बेटा जी ये कैसा है डाइजेनेटिक। मैंने यहां पे लिखा है नाम बेटा जी डिजीज का और यहां मैंने नाम लिखा है पॉजिटिव एजेंट का, तो आपको तो यहां पॉजिटिव एजेंट की बात करनी है ना, तो मैं कहूंगा यस प्लाज्मोडियम जीनस की बात की मैंने, प्लाज्मोडियम इज द जीनस ऑफ द प्रोटोजोआ दैट इज डाइजेनेटिक, मैंने कहा प्लाज्मोडियम इज द जीनस of the protozoa that is digenetic, मतलब जो दो host पे dependent and that cause the disease malaria, जो क्या cause करता है बच्चा malaria cause करता है। ऐसे ही अपने insecticide book में एक example और भी है बेटा जी जो protozoa का ही है but वो monogenetic है, जैसे कि आपकी बातें आएंगी बेटा जी बीमारी का नाम आएगा amoebic dysentery, बीमारी का नाम क्या है अमोबिक डिसेंट्री दैट इज कॉज्ड बाय एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, दैट इज कॉज्ड बाय एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये भी एक प्रोटोजोआ है और ये प्रोटोजोआ जो है बेटा जी ये बीमारी कॉज करता है डिसेंट्री, और ये कैसे है नेचर बेटा जी आपका मोनोजेनेटिक है, जबकि ये जो जना है प्लाज्मोडियम ये भी प्रोटोजोआ है बट ये कैसे है डाइजेनेटिक है, ये दोनों डिजीज हम आगे चैप्टर डील में पढ़ेंगे और ये दोनों हमारे बड़े सिलेबस में बेटा जी यहाँ पे, तो हमने एनसीईआरटी बुक के भी यहाँ पे आपको एग्जांपल दी, एक एग्जांपल और लेके आते हैं बेटा जी, और मैं एग्जांपल किसका है बेटा जी यहाँ पे ऑफ द एस्कल्मेंथीज, और मैं कहूंगा बेटा जी डाइजेनेटिक, तो बीमारी का नाम आएगा बेटा जी वहां पे एलिफेंटिस, बीमारी का नाम क्या है क्या बेटा जी एलिफेंटिस दैट इज कॉज्ड बाय विस्चेरिया, दैट इज कॉज्ड बाय विस्चेर बकोट विस्चेर मल्लाई, ऐसे करके इसके स्पीशीज आएंगे बट फिलहाल आप जीनस के नाम कीजिए बेटा जी विस्चेरिया, W-U-C-H-E-R-E-R-I-A, Wisteria is the genus of the nematode or the helminthes or the escalmenthes or the roundworm that cause elephantis disease and it depend upon two different hosts, that is वहाँ पे एक mosquito आएगा Culex और बेटा जी वहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे
ह्यूमन, उसके दो होस्ट होंगे बेटा जी, ह्यूमन एज वेल एज उसका मॉस्किटो, वो दो के ऊपर डिपेंड होगा। हम डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने का कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैं आपको पैथोजन समझा रहा हूँ, डिजीज नहीं समझा रहा हूँ बेटा जी। चलिए ऐसे आप एक एग्जाम्पल पढ़ोगे बेटा जी, यहाँ पे एस्केरिसिस, एस्केरिसिस दैट इज कॉज्ड बाय एस्केरिस, यहां लिख देते हैं कॉज्ड बाय एस्केरिस। एनिमल किंगडम में याद होगा एस्केरिस इज द फर्स्ट जहां पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हुआ था, याद है मेल एस्केरिस फीमेल अलग अलग होते हैं दिखने बेटा जी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जब दिखाई देता है। चलिए अपने काम की बात करते हैं, यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे पैथोजन की, जो कि मोनोजेनेटिक है या फिर कैसे बेटा यहाँ पे डाइजेनेटिक, या तो एक होस्ट में है या फिर दो होस्ट में लाइफ को सर्वाइव करता है, एक होस्ट में करता है वो मोनोजेनेटिक है, टू डिफरेंट होस्ट में करता है वो बेटा यहाँ पे डाइजेनेटिक है। सिंगल होस्ट और डाई होस्ट की मैंने एग्जांपल दिए, एक फ्रॉम द प्रोटोजोआ और वन फ्रॉम द हेलमिंथीज, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है बेटा जी, यहाँ पे वो मैंने आपको डिजीज के नाम बताए हैं, जो आपको डिटेल में पढ़ने भी है, आगे आएगा अपने टॉपिक जब पढ़ेंगे इन बातों के, बट फिलहाल आप बातों को याद रखना, यहाँ पे आपको ये नोट्स में बातों को लिखना है। चलिए अब इन जनरल में अगर कोई आपसे बातें पूछे हाउ ए पैथोजन कॉज डिजीज, हाउ ए पैथोजन कॉज डिजीज, इन जनरल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्पेसिफिक बातें नहीं करें भाई ये पैथोजन ने क्या किया, बट इन जनरल में पैथोजन कैसे डिजीज कॉज करता है, तो आप एडिंग बनाइए इन जनरल हाउ ए पैथोजन कॉज डिजीज, जनरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या होता है। तो देखो सबसे पहले बेटा जी, सबसे पहला काम क्या होगा, पैथोजन गेट एंटर विद इन host by various means, मतलब अलग अलग तरीके से एक पैथोजन जो होता है वो होस्ट की बॉडी में एंटर करता है। तो वैसे वेरियस मीन का क्या मतलब, तो मैं कहूंगा मे बी वो एयर से अंदर आया हो, मे बी वो बेटा जी वॉटर से अंदर आया हो, मे बी बेटा जी वो फूड के थ्रू बॉडी में आया हो, मे बी बेटा जी आपको फिजिकल कॉन्टेक्ट से आया हो, या मैं कहूंगा बेटा जी आपको सेक्सुअल मेथड से आया हो, या फिर बेटा जी किसी वेक्टर के द्वारा आया है, किसी भी तरीके से वो आ सकता है, मे बी वो एयर से आया, मे बी वो वाटर से आया, मे बी वो फूड से आया, मे बी वो कॉन्टेक्ट से आया, मे बी वो सेक्सुअल मेथड से, या फिर बेटा जी यहाँ पे किसी वेक्टर के थ्रू आयो, किसी भी मीन से वो पहले एंटर करता है किसमें बेटा जी यहाँ पे होस्ट की बॉडी में, कर गया एंटर, अब क्या करे अगला काम get multiply, within host body, host की host की body में क्या करेगा अपने आपको बेटा जी multiply करेगा, अपने number को बढ़ाएगा। चलिए अब क्या करेगा interfere with vital activities, अब इस वर्ड को जरा समझ के देखो, ऐसी activities that are very essential for maintaining the life, जो हमारी life को maintain करने के लिए बहुत ही जरूरी activity है, हम उन activity को क्या बोलते हैं बेटा जी vital, that are very essential for maintaining the life, that are very essential for maintaining the life are known as vital activities, ठीक है। तो मैंने कहा वो उनके साथ क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे इंटरफेयर करेगा, वो इंटरफेयर करेगा तो क्या करेगा, मैं कहूंगा अब भाई वो वाइटल एक्टिविटी तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डैमेज होगा, आइदर कोई मॉर्फोलॉजिकल डैमेज होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कुछ मॉर्फोलॉजी में डैमेज होगा, या फिर वहां पे क्या होगा हमारे कोई फंक्शन में डैमेज होगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगला पॉइंट बेटा एंड लीड टू मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शन डैमेज विद इन
होस्ट, दैट्स इट, बीमारी हो गई मेरे भाई। आपने क्या पैथोजन ने एंट्री कर ली बॉडी में, उसने मल्टीप्लाई किया होस्ट की बॉडी में, फिर उसने इंटरफेयर किया विद द वाइटल एक्टिविटीज, और वो जब इंटरफेयर करेगा उन चीजों से तो या तो कोई चीज बनना बंद हो जाएगी, मैं कहूंगा इसे स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ सकता है, कहोगे सर बिल्कुल, तो मैं कहूंगा वो मॉर्फोलॉजिकल डैमेज होगा, या फिर जो वहां काम हो रहा था उसका जो फंक्शनिंग हो रही थी वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं कहूंगा वो फंक्शनल डैमेज हो जाएगा। और वो जब डैमेज होगा तो आपने जैसे शुरुआत में डेफिनेशन बोली थी बेटा जी हम डिजीज की, कि भैया जी जब हमारे एक या दो ऑर्गन एडवर्सली अफेक्ट हो जाते हैं तो करेक्टराइज होता है वेरियस साइन और सिम्टम्स के द्वारा, तो भैया जी आपको यहाँ पे सिम्टम्स आ जाएंगे, आप कह दोगे सर हम डिजीज है क्योंकि हमारी जब इलेक्ट्रिक डिस्टर्ब हो गई तो सर वो ऑर्गन्स ने काम नहीं कर रहे, तो सर फिर तो हमारी बॉडी में हेल्थ डिस्टर्ब हो गई, हमारी ईजनेस, हमारा कम्फर्ट जोन खत्म हो गया था, हम वहाँ पे डिजीज हो गए, हम वहाँ पे हेल्थी नहीं है, हम वहाँ डिजीज हो गए। तो मैंने एक तरीका बताया कि एक्चुअली क्या होता है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ द पैथोजन अलग अलग है, तो मैं कहूंगा उनका जाने का तरीका भी अलग होगा। अब पॉइंट आता है सर वो पैथोजन अगर अलग टाइप का तो मल्टीप्लाई कहाँ करेगा, उसकी टारगेट सेल अलग अलग होगी और वो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, वहां पे डिफरेंस आने वाले हैं, और फिर किस प्रकार के हमारी वाइटल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं उसके व्यापार यहाँ पे डिजीज कैसे हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। मैंने कहा बेटा जी हम यहाँ बातें करते हैं पैथोजन, पैथोजन अगर अलग अलग प्रकार का है तो उसका घुसने का तरीका भी कैसा होगा बॉडी में अलग अलग होगा, बॉडी में एंटर करने का तरीका भी कैसा होगा उसका यहाँ पे अलग अलग होगा बेटा। जब बॉडी वो अलग अलग तरीके से अगर एंट्री करेगा तो मैं कहूंगा डेफिनेटली वो उसकी टारगेट जो सेल होगी वो भी तो अलग अलग होगी। मैंने कहा तो मल्टीप्लाई किसी एक ही सेल नहीं, अलग अलग, कोई भैया जी आपकी इंटेस्टाइन में जाकर अपने आप को ग्रो करेगा, कोई आरबीसी में जाकर मल्टीप्लाई करेगा, कोई कहीं करेगा, मतलब सबके जो टारगेट सेल है जहां मल्टीप्लाई करेंगे वो अलग अलग होंगे। तो आप कहोगे सर और सबका जो वाइटल एक्टिविटी अफेक्ट करने का तरीका होगा वो भी तो कैसा होगा, अलग अलग होगा, तो उनके सिम्टम्स भी कैसे होंगे अलग अलग होंगे, तो अलग अलग डिजीज यहाँ पे होने वाले हैं बेटा। ओके, ये तो थी जनरल सी बातें बेटा। अब हम शुरू करते हैं बेटा यहाँ पे आपका कि हमारी बुक में कौन कौन से मेनली डिजीज मेंशन किए गए हैं, तो मैं कहूंगा मेनली हम यहाँ पढ़ेंगे बेटा जी बैक्टीरियल डिजीज, हम पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ पे वायरल डिजीज, हम पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ पे फंगल डिजीज, हम पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ पे प्रोटोजोन्स की डिजीज, हम पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ पे हेलमेंथ्रीज डिजीज, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में हमारे सिलेबस में है हम वो सब बातें करेंगे यहाँ पे। या तो उनका पॉजिटिव एजेंट कोई बैक्टीरिया है, या उसका पॉजिटिव एजेंट कोई वायरस है, या फिर कोई फंगस है, या फिर कोई प्रोटोजोआ, या फिर कोई हेलमिंथीज यानी कि एस्कल्मिंथीज उसका पॉजिटिव एजेंट है। तो इसके प्रकार से बेटा जी अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या आने वाले डिजीज आने वाले, तो इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द डिजीज एंड द पैथोजन। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे अपने बेटा जी यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज को। आई होप आप लोग कनेक्ट हो पा रहे होंगे मेरे से, आई होप आपको थोड़ा सा रिदम सा बन गया होगा डिजीज को लेके यहाँ पे, एंड अच्छा लेक्चर है, अच्छा लेक्चर का अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।